श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले कोच महेंद्र सिंह धोनी ने दो खिलाड़ियों को किया टीम से बाहर। जी हां दोस्तों, तो कौन है वो दो खिलाड़ी जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है और इस सीरीज का पहला मुकाबला 3 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा और दोनों टीमों के बीच में हमें एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि श्रीलंकाई टीम टी20 की एक मजबूत टीम मानी जाती है और भारतीय टीम के लिए श्रीलंका से जीतना इतना आसान नहीं होगा। एशिया कप में भी भारतीय टीम को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारतीय टीम को श्रीलंका से सावधान रहने की जरूरत है और अगर भारतीय टीम को श्रीलंका से पहले मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। ईशान किशन जो कि इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है और पिछले दिनों उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ के इतिहास रच दिया था और ऐसे में एक बार फिर उनसे ऐसी ही पारी की उम्मीद होगी। इस बीच कोच महेंद्र सिंह धोनी ने पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 में दो खिलाड़ियों का पत्ता साफ कर दिया और संजू सैमसन और उमरान मलिक को पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई। हालांकि संजू सैमसन इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को भी पहले मुकाबले में नहीं खिलाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये फैसला सही है या नहीं? क्या भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला मुकाबला जीत पाएगी? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।